मध्य प्रदेश के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में अभी दो डिप्टी सीएम पर चर्चा नहीं हो रही है, ये बड़ी अपडेट आपको बताएं सूत्रों के हवाले से। ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर तरीके तमाम नेम फेहरिस्त में शामिल थे जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी अपडेट, शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से सहमति बन सकती है। शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से सीएम बनाया जा सकता है मध्य प्रदेश में। हालांकि दो डिप्टी सीएम के नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन दो डिप्टी सीएम के नाम पर अभी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से यतेंद्र शर्मा और भोपाल से मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली से यतेंद्र शर्मा के पास। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक मीटिंग होती है, बीजेपी की जो आधिकारिक चर्चा होती है, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, वीडी शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं जिनके अगुवाई में जो चुनाव समिति के प्रभारी भी बनाए गए थे, वो भी दिल्ली पहुँच चुके हैं। लेकिन जो फैसला होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद होगा, ऑब्जर्वर तय किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि जिस तरह से बड़ी जीत हुई है उसमें शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे चल रहे हैं, उनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी नाम है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और एक अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है, तो ऐसे में उनका भी नाम है, कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। लेकिन फिलहाल इन सब में लाडली बहन योजना जो बड़ी सफल साबित हुई और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं का वोट मिला, उसमें शिवराज सिंह चौहान की अहम भूमिका रही है, तो ऐसे में एक मौका और शिवराज सिंह चौहान को। बिल्कुल यतेंद्र, बड़ा समर्थन महिला वोटर्स की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को जरूर मिला है। और अब एक नजर शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर भी डाल लेते हैं। यहाँ दर्शकों को हम बता दें कि शिवराज सिंह चार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले नेता शिवराज सिंह चौहान ही है। आपको यह भी बता दें कि शिवराज सिंह 30 नवंबर 2005 को पहली बार मध्य प्रदेश के सीएम बने थे। 1990 में बुधनी विधानसभा सीट पर पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार शिवराज सिंह चौहान बुधनी से 1,04,974 वोटों से जीते थे। या आपको यह बता दें कि विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रह चुके हैं। 13 साल की उम्र में शिवराज सिंह चौहान आरएसएस से जुड़ गए थे और ये तमाम बड़ी जानकारियां इस वक्त सामने आ रही है कि एक बार फिर से उनके नाम पर भरोसा जताया जा सकता है। और हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, कई बार रूठों को मनाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए दो डिप्टी सीएम का प्रावधान किया जाता है, इसको लेकर कोई जानकारी? अभी मध्य प्रदेश में पहले तो मुख्यमंत्री की जानकारी भी पुख्ता नहीं है, क्योंकि सबसे अहम बात यह कि जितने भी नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, हम लगातार सबसे संपर्क में हैं, तो सभी उम्मीद के साथ दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव अगर आप गौर से देखेंगे तो पूरे चुनाव की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई थी। उन्होंने यहाँ पर दो लोगों को भेजा हुआ था, भूपेंद्र पटेल केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर लगातार डेरा जमा कर मध्य प्रदेश में बैठे रहे। रूठों को मनाने का अगर आपको आप देखेंगे कि इस स्तर पर बीजेपी में गृह मंत्री अमित शाह ने काम किया था कि जबलपुर से, ग्वालियर से अगर ये पता चल रहा था कि अमुक बीजेपी का आदमी रूठा है और चुनाव लड़ना चाहता है और इसके चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान होगा, तो खुद अमित शाह ने उससे व्यक्तिगत मिलकर बात की थी। तो ऐसे हालात में ये कहना कि मतलब वाकई सबकी निगाहें टिकी है दिल्ली के ऊपर, और इस बात में कोई शक नहीं, चूंकि 16 साल से ज्यादा वक्त हो गया शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, तो कोई भी रेस होगी, अगर कोई भी दौड़ होगी, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का होगा। लेकिन रेस में सबसे बड़ा नाम जो है वो शिवराज सिंह चौहान का नजर आ रहा है, लेकिन